अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, एसक्यूएल सर्वर सीरीज का ये पार्ट 16 है। इसमें हम देखेंगे कि हम केस सेंसिटिव सर्च कैसे करते हैं एसक्यूएल सर्वर में। तो फ्रेंड, जो केस सेंसिटिव सर्च होती है, इसका मतलब ये है कि अब मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है। अब इसमें से मैं नेम कॉलम में से वो डाटा लाना चाह रहा हूँ सारा, जिनके नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, इस तरह की सर्च करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि हम वो सारा डाटा ले आओ जिनके नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो इस तरह का रिजल्ट लाने के लिए मैं क्यूरी क्या लिखूंगा जी, इसके लिए मैंने ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा। तो हमारे पास ये डाटा आएगा, इसमें मैंने लाइक में देखें ए लिखा, इसका मतलब वो डाटा जिनके नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, अब देखें मैंने लाइक में ए जो है वो स्मॉल दिया है, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो कैपिटल ए वाला भी दिखा रहा है। वो जिनके नेम है तो ए ही, लेकिन है कैपिटल में, तो ये क्या है, केस इंसेंसिटिव सर्च है। हम इस तरह के सर्च जो है वो चाह रहे हैं कि जिसमें हम अगर स्मॉल ए लिखें तो स्मॉल ए वाला डाटा है, अगर कैपिटल ए लिखें तो कैपिटल ए वाला डाटा है, जैसा हम लिखें उसकी बेस पे डाटा है, जैसा हमने लिखा है एज इट इज। तो इस तरह के सर्च को बोलते हैं हम केस सेंसिटिव सर्च। तो वो हम कैसे करते हैं एसक्यूएल सर्वर में, उसके लिए आपने बस ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ थोड़ा सा एक कीवर्ड जो है वो लिखने हैं इसमें, जैसे कि मैंने लिखा है। अब देखिए मैंने नेम कॉलम के बाद लिखा है कोलेट लतीन अंडरस्कोर जनरल अंडरस्कोर बिन, ये आपने लिखना है। जिस कॉलम पे आपने केस सेंसिटिव सर्च लगानी है उसके आगे आपने ये लिख देनी है लाइन, ऐसे ही सेम टू सेम। अब इससे क्या हो जाएगा, जैसा आप एक्सप्रेशन पास करेंगे इसे, ये उस एक्सप्रेशन की बेस पे डाटा लाएगा सेम टू सेम। अगर स्मॉल पास करेंगे तो स्मॉल, अगर कैपिटल करेंगे तो कैपिटल। तो ये डेटाबेस में बाई डिफॉल्ट एक सेटिंग होती है, उसको भी आप चेंज कर दें तो फिर भी ये बाई डिफॉल्ट से ही हो जाता है, फिर केस सेंसिटिव सर्च करता है, लेकिन उसमें आपके डेटाबेस को मसला बन सकता है, लेकिन वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड यही है कि आप जब आपको ज़रूरत हो तो आप ये लाइन ऐड करें और डाटा आप अपना सर्च करें टेबल में से। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एसक्यूएल सर्वर में। तो ये फ्रेंड, मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया, इधर से डेटाबेस में चलते हैं। हमारे पास ये स्टूडेंट्स नाम की डेटाबेस है, इधर में से टेबल हमारे पास ये हैं जी, दो टेबल्स हैं इसमें। अब सबसे पहले इधर देखिए स्टूडेंट्स जो डेटाबेस है आपकी, उसके राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में चले जाएँ और इधर से जाके आपने जाना है ऑप्शंस में। यहाँ पे ये देखें कुलेशन नाम से होगा इधर आपके पास, वहां से आपने डेटाबेस चेंज कर देना। ये देखें लतीन अंडरस्कोर ये वाली है, इसको आपने चेंज कर देंगे तो आपके पास वो बिल्कुल एज इट इज डाटा ही लाएगा। लेकिन ये बिल्कुल जो है नहीं, रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये सारे आपके पास मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, क्यूरी में मसला बन सकता है। लेकिन आपको जब जरूरत हो उसके मुताबिक आप सिंपल वो लाइन लिखें और आप अपना डाटा जो है वो ला सकते हैं बिल्कुल एज इट इज। अब देखिए मेरे पास एस टी डी टेबल है, इसमें कुछ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है, अब इसमें से हम सर्च करेंगे। चले मैंने सबसे पहले ये देखें डाटा बेस सेलेक्ट कर ली, जैसे अब मैं लिखूंगा सेलेक्ट करो, मैंने इसको बढ़ा कर दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार का मतलब सारे डाटा सेलेक्ट करो, कौन सा टेबल, एस टी डी से। अब मैंने एस टी डी लिखा, आगे मैंने लिखा वेयर, इसके बाद फ्रेंड मैंने कौन से कॉलम पे सर्च लगानी है, मैंने नेम पे लगानी है। तो जैसे आपने लिखना है कॉलम का नेम, जैसे कि मैंने लिखा नेम, नेम कॉलम, नेम कॉलम के बाद मैंने लिखा लाइक ऑपरेटर। अब मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन में दे दिया जी, सिंगल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स क्योंकि हमारी स्ट्रिंग डाटा टाइप है। इधर मैंने दे दिया कि वो वाला डाटा जिनके नेम जो है ना वो ए से स्टार्ट होते हैं, स्मॉल ए से, या चले स्मॉल ए से स्टार्ट होते हैं जिनके नेम। उसके बाद मैंने पर्सन का साइन लगा दिया। अब अगर मैं इसको सर्च करूंगा तो इधर मैं एग्जीक्यूट करूंगा हमारे पास, तो ये देखें दोनों डाटा आ रहा है, ये देखें कैपिटल ए वाला भी आ रहा है और स्मॉल ए वाला भी आ रहा है, जिनके स्टार्ट में कैपिटल ए है और लेकिन हमने लिखा ए स्मॉल है, तो हमारे पास डाटा वही आना चाहिए था जिनके स्मॉल ए आ रहा है। जैसा कि ये वाली आई डी, सात नंबर वाली आई डी का रिकॉर्ड में स्मॉल ए आ रहा है, तो ये ऊपर वाला रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए। तो अब देखें मैं वो लाइन ऐड करूंगा, देखें जैसे मैंने लिखा कोलेट, उसके बाद मैंने लिखा लतीन वन अंडरस्कोर, उसके बाद मैंने लिखा जनरल अंडरस्कोर, उसके बाद मैंने लिखा बिन। अब ये लिखने से, अब देखें अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जब हमारे पास, अब हमारे पास स्मॉल ए है, ये देखें मैंने इधर स्मॉल ए पास किया, तो अब स्मॉल ए वाला ही आएगा, ये कैपिटल ए वाला नहीं आएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा जब, तो ये देखें स्मॉल ए वाला डाटा ही आ रहा है। अब मैं इसको कैपिटल ए कर दूंगा, अब जैसे मैंने कैपिटल ए किया, अब कैपिटल ए वाला आएगा, स्मॉल वाला नहीं आएगा। तो ये देखें अब हमारे पास कैपिटल ए वाला रिकॉर्ड आ रहा है। तो ऐसे जो है केस सेंसिटिव सर्च कर सकते हैं। अब देखिए इधर से हमारे पास एस भी कैपिटल में है एक रिकॉर्ड, जिसका एस कैपिटल में है, ये वाला एक स्मॉल में भी ऐसा है। अब मैं देखिए एस पे भी आपको करके दिखाता हूँ, मैंने एस लिखा पहले, मैं लिखता हूँ कैपिटल, अब कैपिटल लिखूंगा मैं, तो हमारे पास दो रिकॉर्ड आ गए जिनके स्टार्ट में कैपिटल एस आ रहा है, ये देखें।
ठीक है फ्रेंड, अब मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। अब मैंने इसको स्मॉल कर दिया, अब हमारे पास एक है स्मॉल वाला रिकॉर्ड जिसका स्टार्ट में ऐसा आ रहा है, तो वो देखो हमारे पास स्मॉल वाला ही आया। तो अब इस लाइन से क्या हो जाएगा, ये हमारी रन टाइम पे जो है वो फंक्शन कॉल करके हमारा केस सेंसिटिव सर्च करेगा, जैसा हम इसमें एक्सप्रेशन पास करेंगे उसकी बेस पे ही ये रिकॉर्ड आएगा। तो ऐसे जो है वो हम एसक्यूएल सर्वर में केस सेंसिटिव सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।